और जो जहाज 526 करोड़ का था उसे 1600 करोड़ रुपए में खरीदा गया। निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाल। राफेल को लेकर राजनीतिक गलियारों में छिड़े घमासान के बीच मोदी सरकार ने आखिरकार राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक कर ही दिया। केंद्र सरकार ने राफेल खरीद के फैसले की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और सभी दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिए। इन दस्तावेजों के मुताबिक राफेल की खरीद में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। सरकार इसके लिए करीब एक साल से फ्रांस की सरकार से बातचीत कर रही थी। यही नहीं, CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से भी इस सौदे को लेकर अनुमति ली गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार का कोई रोल नहीं है। दसॉल्ट कंपनी ने नियमों के मुताबिक ही अपने पार्टनर का चुनाव किया, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। NDA सरकार ने UPA के जमाने से चली आ रही रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया का ही पालन किया है। दस्तावेजों के मुताबिक 4 अगस्त 2016 को 36 राफेल जेट से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई, जिसे CCS ने 24 अगस्त 2016 को मंजूरी दे दी। इसके बाद 23 सितंबर 2016 को भारत और फ्रांस के समझौते पर मोहर लगाई गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने इस मामले पर याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने इस समझौते से जुड़ी जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कहने पर ही राफेल डील में HAL को हटाकर रिलायंस को अपना ऑफसेट पार्टनर चुना गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा।